जब आंच आए स्वाभिमान पर तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। राष्ट्रीय जनता दल के अंदर से अब यह आवाज उठने लगी है, क्योंकि आरोप तेजस्वी यादव के ऊपर लगा था और देश भर में सीबीआई के छापे पड़े थे। आरजेडी के नेताओं को चुन चुन कर टारगेट किया गया। कई नेताओं के यहां सीबीआई की रेड अहले सुबह पड़ी तो दोपहर तक ये खबर निकल के सामने आई कि तेजस्वी यादव के मॉल पर छापेमारी हुई है। गुड़गांव के अंदर यह मॉल है। हालांकि अब जब छापेमारी हुई उसके बाद तेजस्वी यादव सफाई देने सामने आए। उन्होंने कहा कि यह ना मॉल मेरा है और ना ही इस मॉल से मेरा कोई लेना देना है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि यह मॉल बीजेपी की है, बीजेपी नेता इसमें शामिल है। उसके बाद मॉल को चलाने वाली कंपनी ने एक रिलीज जारी किया और कहा कि इसे तेजस्वी यादव का कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद अब आरजेडी के जो नेता हैं वो अलग अलग तरीके से बीजेपी को घेरने में लगे हैं, और ऐसे में तेजस्वी यादव की तस्वीर के साथ एक लंबी चौड़ी पोस्ट जो है वो अब साझा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जब आंच आए स्वाभिमान पर तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा तो जिंदा नजर आना जरूरी है। बिहार में बीजेपी सत्ता से हटी है और षड्यंत्र पर टिकी है। कुछ जो गोदी मीडिया के बारे में कहा गया है, जो जुमलेबाजों की बात की जा रही है, पत्रकारों की बात की जा रही है, जो पूरे दिन ये खबर चलाते रहे कि यह मॉल तेजस्वी की है, उस पर आरोप लगाया गया। आरजेडी के नेताओं ने तो यहां तक कह दिया कि वो मानहानि का मुकदमा भी करेंगे। लेकिन इन सबके बीच अब ये जो रिलीज सामने आ रहा है, जो तस्वीरें साझा की जा रही है और जो दस्तावेज दिया जा रहा है, इससे तेजस्वी यादव की छवि को साफ सुथरे दिखाने की कोशिश की जा रही है। और कहा जा रहा है कि भाजपा एक बार फिर से षड्यंत्र कर तेजस्वी यादव की छवि बदनाम करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि जो संपत्ति उनकी है नहीं उस संपत्ति को उनकी बनाई जा रही थी। हालांकि अब आरजेडी के नेता यह भी कह रहे हैं कि अब तक उस मामले में, मॉल के मामले में, जब सीबीआई को हमने बता दिया कि वो मॉल मेरा नहीं है, जिन बीजेपी नेताओं का है उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। एक ऐसी छवि जो बिहार के 13 करोड़ लोगों के दिलो दिमाग में उत्साह, उम्मीद, आकांक्षा, भरोसा और विश्वास के साथ स्थापित हुई है, उसे बीजेपी और आरएसएस के लोग और जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं वो मिलकर तार तार करने पर तुली है। झूठ, फरेब और मनगढ़ंत कहानियां, हवा हवाई दागेदार प्रॉपर्टी जबरदस्ती पैदा की जा रही है, चिल्ला चिल्ला कर यह बताया जा रहा है, ये तमाम चीजें कही जा रही है। ये आरोप है बीजेपी पर और तेजस्वी यादव की तरफ से सफाई भी है। देखिए, बिहार की सियासत में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है। बीजेपी जहां आरजेडी और नीतीश कुमार के ऊपर आरोप लगा रही है, तो वहीं सरकार बनने के साथ ही महागठबंधन के जो नेता हैं, खासतौर पर राष्ट्रीय जनता दल के जो सदस्य हैं, उनके यहां सीबीआई के रेड के बाद से अब आरजेडी भाजपा पर हमलावर है। केंद्रीय एजेंसी और केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगा रही है कि ये सरकार और उनके जो एजेंसी हैं वो भाजपा के इशारों पर सरकार से बेदखल होने के बाद बौखलाकर इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे बिहार में सरकार की छवि और तेजस्वी यादव की जो प्रतिष्ठा है धूमिल हो।